सत श्री अकाल जी, वेलकम टू हेल्दी थॉट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर तुसी नहीं कीता, एंड नोटिफिकेशन बैल नू भी प्रेस करियो ताकि थोनू आने वाली वीडियोज़ का पता लग सके। अज अपना टॉपिक है डायबिटीज़। ये वीडियो आप डिस्कस करांगे कि थोनू कदों आपू मतलब थोड़ा जा वो होना चाहिए कि सानू कि डायबिटीज़ तो नहीं। अगर आप अपना जोड़ा ब्लड शुगर लैवल है उपर पिक्चर के रेंजिस शो हुई हुई हैं, प्री डायबिटीज़ वो होंगे हैं जिन्हों रिस्क है, उन्होंने हजे प्रॉब्लम नहीं हुई बट दे मे हैव द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। सो वीडियो आप सिमटम्स की साइनस की गल करा कि साइनस से आपू थोड़ा अवेयर होना चाहिए। फस्ट वन, एक्सैसिव यूरीनेशन। एक्सैसिव यूरीनेशन का मीनिंग है कि आप बार बार यूरिन पास कर जा रहे हैं। ये जो एक्सैसिव यूरीनेशन है ये सब तो वड्डा साइन है। ये क्यों होंदा है? बिकॉज जो अपनी किडनीज़ हैं नॉर्मली जिहड़ा काम कर दी हैं, बट जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, जो शुगर का लैवल जिहड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाए तो किडनी ते जिहड़ा एक्सैसिव वर्कलोड हो जाता है। नॉर्मली तो वह शुगर नू अब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम च भेज दें अपनी बॉडी लई, आपां नू चाहिए ग्लूकोज एनर्जी लई, बट अगर अनकंट्रोल्ड है फिर वह सारा यूरिन बनी जाता है, किडनीज़ वह यूरिन फॉर्म करी जानी है, तो आपां नू बार बार अर्ज फील हुंदी है कि आपां ने यूरिन पास आउट करना है। सो पॉली यूरिया आप इनू बोलते हैं। फस्ट पी पॉली यूरिया मीनस एक्सैसिव यूरीनेशन। अगर ये साइन है तो भी आपां नू अवेयर होना चाहिए। सैकेंड वन है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मीनिंग है एक्सैसिव थर्स्ट, मतलब आपां नू बार बार पानी पीण की प्यास लगती है। नैचुरली पॉली यूरिया एंड पॉलीडिप्सिया बोथ आर को रिलेटेड। वाई? अगर आप यूरिन बार बार पास आउट कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो वॉटर है वो वॉटर इम्बैलेंस हो रहा, पानी की कमी हो रही है, तो बार बार बॉडी ये फील करती है कि आपू पानी पीना चाहिए। जो किडनीज़ के उत्ते वर्कलोड पै रहा, किडनी एक्सैसिव यूरिन पास आउट करती हैं, एंड आप अगेन बार बार पानी पीने की जी आपू प्यास लगती है। सैकेंड वन, नैक्सट सिमटम है अपना पॉलीफेजिया, मतलब आपू भुख भी बार बार लगती है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी का मैकेनिज़म है वो खराब है, वो इम्बैलेंसड है, बार बार परसन भुख लगती है। नैक्सट वन वेट लॉस होंगे। अगर थोड़ा 3-4 या 4-5 kg इमीडिएटली कोई वेट लॉस होया, अपना लाइफ स्टाइल नॉर्मल है, पहला वाला ही है, लाइफ स्टाइल कोई चेंज नहीं, ना कोई वर्क कल्चर अपने कोई चेंज है, फिर भी अपना इमीडिएटली सडनली कोई वेट लॉस फील होंगे तो यू मे हैव द साइनस ऑफ डायबिटीज़। ये साइनस नाल आप जरूरी नहीं कह सकते कि आप डायबिटिक हैं, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। आपू अवेयरनैस होनी चाहिए है, जस्ट टैसट करवाना चाहिए कि कितने आपू डायबिटीज़ तो नहीं, जरूरी नहीं कि होवे। जो अपनी हंगर है, बार बार आपू भुख लगती है, यदा रीज़न की है? अगर अपना अनकंट्रोल्ड जिहड़ा शुगर है बॉडी के अंदर, इंसुलिन है नहीं, क्योंकि आपां पहला भी एक वीडियो डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर इंसुलिन जां तां घट बनता है जां बनता ही नहीं, तां ही जिहड़ा अपना शुगर है ग्लूकोज है वह बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, एक्सैस हो जाता है। सो अगर बार बार आपू भुख लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, एंड बार बार यूरिन फॉर्म हो रहा, बार बार यूरीनेशन हो रही है, एंड मोरओवर अपना वेट भी लॉस हो रहा है, तो आपू जरूर डायबिटीज़ का ब्लड शुगर का टैसट करवाना चाहिए। क्योंकि भुख का रीज़न ये है कि अनकंट्रोल जो शुगर है वो एनर्जी की फॉर्म के चेंज नहीं हो रहा, तो वह बॉडी के अंदर मतलब ग्लू जो अपने सैल्स हैं उन्होंने प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी पता आपू, एनर्जी इज़ अ कपैसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करते हैं आपू काम करने लिए आपू एनर्जी की जरूरत पैंती ही पैंती है। सो अगर डायजेस्टिव सिस्टम का कोई इशू है, लाइक अपना क्योंकि डायबिटीज़ है ही मैटाबोलिक डिसऑर्डर है, मैटाबोलिज्म की है, जिन्ना आप खाना खा रहे हैं वो ब्रेकडाउन हो रही है, एंड इन द एंड प्रोडक्ट आपू एंड प्रोडक्ट की मिलता है, वी गैट द एनर्जी, एनर्जी इज़ अ कपैसिटी टू डू वर्क। सो आपू एनर्जी मिलती है। सो नैक्सट वन, टिंगलिंग सेंसेशन होंगी है अपने फीट
जो पैरों दी तलियां इन्हां विच आपां नूं नंबनैस लाइक आपां कह सकदे हाँ कि झंझनाहट टाइप फील हुंदी है, बिकॉज़ जिहड़ा डायबिटीज़ है ये इदां दी डिसीज़ है, इहदे विच जिहड़ियां आपणियां नर्व्स हैं बॉडी दियां वो डैमेज हुंदियां, वो अफेक्ट हुंदियां। सो आपां नूं लाइक बर्निंग सेंसेशन कह लो कि जां आपां नूं टिंगलिंग टाइप कुछ नंबनैस फील हुंदी है, तां वी आपां नूं इगनोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये कोई कॉस्टली टैसट नहीं है, बहुत चीप टैसट है। आपां 100-200 रुपए दे विच ये टेस्ट करवा सकते हैं। मैं पहला भी वीडियो च किया है कि मैं दोबारा फिर कह रही हूँ कि इट मे बी दा मतलब कि साइनज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर ये भी साइनज है आपां नूं डायबिटीज होवे, बट आपां नूं अवेयरनेस जरूर शो करनी चाहिए है। नेक्स्ट वन ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन दा मीनिंग है कि जिहड़ी अपनी आई साइट है एकदम उहदे च थोड़ा जिहा चेंज आया, बिकॉज़ जिहड़ियां आई नर्व्स हैं उहनां ते भी इफेक्ट पैंदा है अग्गे अग्गे, जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हुंदी है उहनां नूं डायबिटिक न्यूरो पैथी हो जाती है, मतलब ये नर्व्स ते डैमेज करता है, आईज ते अफेक्ट करता है अनकंट्रोल्ड शुगर। जां तुसी पहला ही स्पैक्स लगा रहे हो उहदा नंबर एकदम थोड़ा वध गया, जां तुसी थोड़ी आई साइट नॉर्मल सीगी वो थोनू एकदम थोनू ब्लर्ड धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया ते उहदे नाल थोनू होर भी सिम्पटम्स हैं, तां जरूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर नाल। वी शुड नॉट इग्नोर दैट साइनज, बिकॉज हैल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।